बाबू तुमने खाना खाया? बाबू तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। पर बाबू तुम्हारे मुंह में चिप्स क्यों लगा हुआ है? बाबू तुम हम पे शक कर रही हो? नहीं बाबू, बाबू हमारे रिलेशनशिप के 15 दिन हो चुके हैं, अब हमें शादी कर लेना चाहिए। लेकिन बाबू मैं तुम्हें रखूंगा कहाँ? बाबू तुम अपने दिल पे रख लेना। बाबू तुम कितने क्यूट हो, पर मैं तुम्हें खिलाऊंगा क्या? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। बाबू तुम जो खाओगे मैं वही खा लूंगी। एक बीड़ी पी के चला लेगी पूरे दिन। ओके बाबू डन। बाबू कल ही शादी करते हैं। क्या बकवास है भाई। कवि गुरु कालिदास ने कहा था, मीठा आम कच्चा नहीं होता और इंस्टा का प्यार सच्चा नहीं होता। अरे तुम लोग ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ना, लड़की लोग सिर्फ अपना फायदा देखती है, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। तू ज्यादा ज्ञान मत दे, तू खुद ही सिंगल है। देखो कोच कभी खेलता है क्या? लेकिन कोच के पास भी तो एक्सपीरियंस होता है। भाई हमारा कोच दिखने में सुंदर नहीं है, उसमें उसके क्या गलती? बराबर बोला ना। मुझे छोड़ो आज तो मैं इसे यही खत्म कर दूंगी। अरे रानी जाने दो, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे ही मैंने विद्यालय में बचाव पक्ष में पहला पदक नहीं जीता, मुझे खतरनाक प्लेयर बिल्लू सांडे को हराना था। बिल्लू सांडे वो सब छोड़ो, ये लल्लू लोग इधर क्यों आ रहे हैं? ये लल्लू लोग इधर क्यों आ रहे हैं? मैं मुंह छुपा लेती हूँ, फिर से बेइज्जती करेंगे। हे रानी ये तुम ही हो ना, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। एक्चुअली हमारे रिलेशनशिप के 15 साल वारिया तूने तो फुल रियल गैंगस्टर शिट कर दिया। नहीं 15 मंथ्स मतलब 15 महीने। वारिया तूने तो लड़कियों का नाम रोशन कर दिया। अरे बुद्धू 15 दिन हो गए हैं, इसलिए मैंने और मेरे बाबू ने डिसाइड किया है कि हम एक बड़ा पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें पूरा क्लास इनवाइटेड होगा। तो रानी तुम्हें वहाँ आना ही पड़ेगा, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जरूर आना। ओह मैं तो भूल ही गई, तुम तो सिंगल हो। पूरा क्लास मतलब हम भी आने वाला है। भाई तू रेडी हो जाइयो, मैं रेड कोट पहन के चलाऊंगा। एक सेकेंड, तुमने शायद मेरे पार्टी के रूल्स नहीं पढ़े। क्या है रूल? बदसूरत आदमी हमारे पार्टी में अलाउड नहीं है। वाओ बाबू तुम कितने फनी हो। ये कौन सी बात हुई, तू खुद के पार्टी में खुद ही नहीं आएगी? अरे तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? तेरे बाप की शादी में आया हूँ, आ देखेगा क्या देखेगा। अरे वो प्रिंसिपल फिर से बुला रहा है तुम दोनों को, इस टकले का तो कुछ करना ही पड़ेगा, दिन दिन इसका डिमांड बढ़ता जा रहा है। भाई जाने दो, अगले स्कूल में जो पेंसिल से मदर किए थे उसका खुलासा ना कर दे बस, तब तक इस टकले की बात सुन ही लेते हैं। ओ तभी तो कहूँ। क्या तभी तो कहूँ, पुलिस क्यों आई है? पुलिस? माननीय प्रधान शिक्षक महोदय हमें अंदर आने की इजाजत दीजिए। अरे सर जी आपका एक पासपोर्ट साइज का फोटो दे देना, मैं भगवान के साइड में लगाऊंगा क्योंकि गुरु भगवान समान होता है। बस अब अंदर आने की इजाजत दे दो। अब और कितना अंदर आओगे? सर जी हम अंदर आ ही चुके हैं तो अब बाहर जाने की भी इजाजत दे ही दीजिए, तो मैं हाँ ही समझू आपके मुँह से। चल गोलू। यही है दोनों? हाँ यही है दोनों। चलो चलो मेरे पीछे पीछे आओ। सर जी ये कौन सी बात हो गई, हमने टॉयलेट रूम में तो सिर्फ बम ही उड़ाया था। सिर्फ बम? हाँ शांतनु का शांत नुन्नू गायब हो गया, इसमें क्या बड़ी बात है? उसका बाप तो अमेरिका में रहता है, उसके लिए कुछ भी ला सकता है। सर इसके लिए आपने पुलिस बुला लिया? क्या ये तुम दोनों ने किया था? सर आपका स्नेहा मैडम का फोटो एडिट करके जो फेसबुक में मैंने वायरल किया था उसके लिए आपने बुलाया है ना? क्या ये भी तुम दोनों ने किया था? हम नहीं आए हैं। क्या भाई फालतू में मैंने अपना कीमती ओपिनियन हुए, मतलब हमने फालतू ही सारा गुना कबूल कर दिया। लो सर अब हमें फांसी की सजा में अंदर डाल दो, नहीं तो ये जल्लाद प्रिंसिपल हमें यही मार देगा। सर जी जल्दी करो। वो सब ठीक है लेकिन हमने क्या क्या है? आओ मेरे साथ कॉन्फ्रेंस रूम में, वही सब बताता हूँ। भाई के लल्लू पुलिसमैन है, इतना इम्पोर्टेंट डिस्कस चल रहा है, 10 मिनट से हम बैठे हुए है और ये लैपटॉप में गेम खेल रहा है। मुझे सब सुनाई दे रहा है, मतलब ये बेशरम भी है। हे मोदी पहले तू बता तू क्या कर रहा है? अंकल जी मैं तो UPSC क्लियर कर रहा हूँ। तुझे देख के साफ पता चल रहा है तू जेब से छुपा छुपा के छोले खा रहा है छोले। गोलू बकवास सवाल के जवाब नहीं देता। मोटे भद्दे तुझे किसी ने सिखाया नहीं स्कूल में बाहर के खाना अलाउड नहीं है? अखले कहाँ मैं बाहर का खा रहा हूँ रे, मैं तो पॉकेट के अंदर से निकाल के ही खा रहा हूँ। बदतमीजी हमारे साथ। सर शुरू किसने किया था? ठीक है चलो बयान पे आते हैं, पहले पर्सनल डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो बताओ तुम लोग कहाँ रहते हो? सर जी मैं बोलूंगा। हाँ, बोलो। मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहता हूँ। क्या मम्मी पापा के साथ? ठीक है तो बताओ तुम्हारे मम्मी पापा किधर रहते हैं? सर जी मेरे साथ।
मतलब तुम अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो? हाँ जी। और तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ? बराबर। पर तुम तीनों किधर रहते हो? सर हम पड़ोसी के साइड में रहते हैं। अरे ये बच्चा मुझे पागल कर देगा, आखिरी बार के लिए कह रहा हूँ, तुम्हारा पड़ोसी कहाँ रहता है? सर जी आप मारोगे तो? नहीं नहीं मारूंगा। इस बच्चे बता दे, हमारे साइड में ही रहते हैं। छोड़ो, पर्सनल डिटेल की कोई जरूरत नहीं है। पहले बताओ तुम लोग 29 तारीख को क्या कर रहे थे? सर जी परसों आपने क्या खाया? परसों तो याद नहीं। तो 29 तारीख हमें खा क्या रहेगा? किसने इसे पुलिस बना बनाया? बराबर बात। अरे इन लोगों को क्या पता दीवार के उस साइड कौन खड़ा है, बस वो ना अंदर आ जाए। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं अभी भी पूछ रहा हूँ हमने किया क्या है। बेटे काम ऐसे करो कि टीवी पे आओ, सीसीटीवी पे नहीं। देखो ये दोनों कौन है? अरे ये दोनों फिल्म स्टार जैसे लड़के कौन है? ये मोटा लड़का तो बड़ा क्यूट है, लड़कियां तो नशे काट रहे होंगे घर में इसके लिए। साइड में नीले बाल वाले को देख, इतना स्टाइलिश लग रहा है, एकदम गैंगस्टर माफी। अरे गधो ये तुम दोनों ही हो। एग्जैक्टली हम हमारी ही बात कर रहे थे। तो अब तुम लोग ये भी बता दो कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? राजेंद्र नगर में जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है उसके साइड में एक पतली सी गली निकलती है। हाँ हाँ। उसके एकदम टॉप में एक मोमो की दुकान है। हाँ है। एक मिनट वेट, अब ये मत कहना कि मोमो खिला दो फिर बयान दोगे। क्या फिर? आप मुझे तो गलत समझते हो, मैं नहीं बोलूंगा। अरे सॉरी बेटा, बोलो। हाँ तो उस मोमो के दुकान के अगले ही गली में दाहिने साइड में एक कचौरी का दुकान है। हाँ हाँ। तो कचौरी खिला दो फिर मैं बयान दे देता हूँ। दोपहर में कौन मोमो खाएगा? बच्चे अब तू अपना मुंह मत खोलना, इस बच्चे से तो वैसे ही उम्मीद नहीं थी। बेटा तू ही मेरा लास्ट ऑप्शन है, बता दे, तेरी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। सर उस दिन कुछ अजीब हुआ था। ये हुई ना बात, देख मोटे ऐसे देते हैं बयान। एक अजीब सा इंसान आया जिसे मैंने शायद कभी नहीं देखा। हाँ तब उसके हाथ में एक चाकू था। क्या? पहले मैंने सोचा शायद वो किसी दूसरे की तलाश में है। धीरे धीरे मैंने देखा वो मेरे करीब आ रहा था। हाँ फिर वो मेरे करीब आता गया। हाँ फिर? फिर उसने उसी चाकू से मुझे घच 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 और कहानी खत्म। क्या तुम मर गए? एक मिनट वेट, लेकिन तुम तो जिंदा हो। अरे सर तभी मेरा नींद टूट गया, मैं वहाँ सोने ही तो जाता हूँ। ये तो अगले वाले से भी बदतर है। सर दिया ना मैं बयान, देख गोलू ऐसे बयान देते हैं। दोनों थोड़ी देर के लिए चुप। सर वही तो हम कह रहे हैं, हमें छोड़ दो। वैसे आपके पास गारंटी तो है ना? गारंटी? तुम लोगों का गारंटी मैं क्यों लूंगा? अरे भाई वो वारंट होता है। साले मोटे तुझे दिन दिन बड़ा इंग्लिश आ रहा है। हाँ सर वही वारंटी। क्या आपके पास वारंटी नहीं है? अब तो ये बात कानून के ऊपर जा रहा है, मैं इससे एकदम सहमत नहीं हूँ। थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। क्या अब क्या हुआ? नहीं नहीं वो आ रहे हैं। कौन आ रहा है? अरे हमारे डिपार्टमेंट का नया कमिश्नर। अरे ये तो वही कमिश्नर है। बहुत हो गया नाटक, तुम कोई टॉपर या स्कॉलर नहीं हो, अपनी औकात में रहो, जितना पूछा जाता है उतना बताओ, हमें कानून मत सिखाओ। सर आपने शायद गलती से मेरा कॉलर पकड़ लिया है। मुझे पता है तुम जैसे लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, तुम लोग लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे। तुम लोगों को तो 506 धारा। क्या क्या कहा तुमने? सर 506 धारा के तहत आप किसी को धमकी नहीं दे सकते। और बात करते हैं बयान के, तो आप स्कूल में घुस के एक नाबालिग से पूछताछ कर रहे हो उनके पेरेंट्स के परमिशन के वगैरह। अरे सर जी हम आपके ऊपर 376 धारा भी लगा सकते हैं। गोलू साले 376 धारा सामूहिक बलात्कारों के ऊपर लगाया जाता है। अरे बाप रे मैं थोड़ी देर के लिए चुप ही रह लेता हूँ। और हमें हाथ लगाने की तो दूर की बात, अगर हमें खरोज भी आया तो 325 धारा के तहत जोखिम हमले के इंटेंशन में 7 साल का जेल होगा आपको बस। और अगर हमने थोड़ी सी कोशिश करी और इस जोखिम को जानलेवा में कन्वर्ट कर दिया तो 307 धारा के तहत हाँ 10 साल या उम्र कैद का सजा हो सकता है। तो बेहतर यही होगा कि आप मेरा कॉलर छोड़ दीजिए, पता नहीं कब क्या हो जाए। मैं तो इसे आम बच्चा समझ रहा था, इसे तो पूरा लॉ पता है। और बाप रे बाप इतना लॉ तो मुझे भी याद नहीं। भाई मैं तो तुझे लल्लू समझ रहा था, पर तू तो जीनियस है भाई जीनियस। क्या बकवास है, काश ये भी मेरे साथ रोज 4 एपिसोड देखते क्राइम पेट्रोल 10 तक के। सर अब आप लोगों का टाइम हो गया, आपने हमसे इज्जत से बात करी इसलिए हमने बिना परमिशन के स्कूल के बच्चों से पूछताछ करने की इजाजत दी थी, लेकिन अब आप बदतमीजी कर रहे हैं। यही होता है टीचर, पूरा स्कूल इस इंसान को जाहिल देशी धरिंदा कह सकता है, लेकिन हमारे लिए एक महान प्रिंसिपल है। और यस गोलू तुम अपने पेरेंट्स को बुलाना जो थोड़ा जाहिल और देशी धरिंदा है। तो अब आप जा सकते हैं। लेकिन सर हमारा बयान। चलो। और सर और एक बात, मुझे मेरा औकात अच्छे से मालूम है,
आप बस अपना मत भूलना। अरे यार, इतना अंधेरा क्यों है? हम अपने फ्यूचर में तो नहीं आ गए? ना, हम पढ़ाई नहीं करते हैं, हमारा फ्यूचर तो ऑलवेज ब्राइट है। भाई यार, हम क्यों सही कर रहे हैं? गोलू भूल मत, ये तेरा ही आइडिया था। तब तो सही कर रहे हैं, लेकिन आयशा से हम और एक बार डायरी मांग सकते थे। डायरी तू मांग लेना, मैं तो जा रहा हूँ। अरे बाप रे बाप, भाई रुक जा। आधी रात को ये ऊपर से आवाज कैसी आ रही है? डायरी डायरी, अरे यार इस टॉर्च को क्या हुआ? गोलू साले, तूने फिर से बैटरी नहीं दी। ला तेरा टॉर्च ला। गोलू साले, बोल रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है बहुत मार खा जाएगा अगर तूने प्रैंक किया तो। भाई इधर देख। अब देखने उखने का टाइम नहीं है, जल्दी ढूंढा यहाँ से भाग। अरे भाई इधर तो देख। क्या है भाई, ये आयशा कमिश्नर के साथ क्या कर रही है? तो यही था कुछ इस एपिसोड में। अगर आप त्रिनेत्र के और एपिसोड देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। बाय द वे, पिछले एपिसोड डिस्प्ले पे शो हो रहे होंगे।